पूर्व क्लास पढ़ी कौन सब धातु गुड़िक भौतिक प्रक्रिया है कि भौतिक धर्म कथ आलोचना करते रासायनिक धर्म कथ आलोचना करते ना पूर्व क्लास पढ़ते आयनिक जौगिक एवं यार धर्म कथ पढ़ते ये तीन टाइम बेस्ट पॉइंट आम क्लियर करते आज जीवा कौन टा धातु गुड़िकर उपस्थिति धातुर प्रकार भेद देखा प्रतिक्रियाशील क्रम अनुसार धातु को केते भाग में विभक्त करूँ धातु गुड़ी किपर सब निष्कासन कर धातु पिंड आलोचना कर धातुर देख धातुर जी आम कह धातुर उत्पत्ति कथा है धातुर उत्पत्ति कथा कह अकरेन्स मेटाल्स कथा भी कह धातु मुख्यतः भूतक उत्पत्ति लाभ कर सबुण धातु गुड़िक मुख्यतः भूतक आमको मिले कितने गुड़े धातु अच्छा जहाँकि लवण आकार समुद्र जल में द्रवित होता लास्ट पॉइंट देखिए जोटा कि देख सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड भाई केतक धातु हेल्ला कौन करता है लवण अवस्था समुद्र जल में द्रवण अवस्था था समुद्र जल में द्रवित मनुना आउ कौन कही देख जो प्रकृति भूत मिलूची जो धातु गुड़ी कौचे है तुम कौन कौचे मौलिक जौगिक रूप से मिलता है मन रख भूत मिलूता धातु गुड़िक मौलिक जौगिक रूप से मिलता है मौलिक कौन जौगिक कौन नवम क्लास तुम पढ़ी सारी द्वितीय अध्याय पढ़ी सारी आम चतुर्वाश पदार्थ विशुद्ध की यही चैप्टर पढ़ी मौलिक कौन जौगिक कौन ये जो मौलिक जौगिक आकार मिलता है यह खनिज कह जाए मान यहाँ कौन कहते खनिज कहते केतक स्थान खनिज मन कह केतक स्थान खनिज अधिक परिमाण में धातु रही था मन कह केतक स्थान खनिज अधिक परिमाण में धातु रही था खनिज रु धातु निष्कासन करने खनिज रु धातु निष्कासन करने लाभजनक होता है से खनिज को कह जाए कौन धातु पिंड ओर बोली कह जाए मन रख धातु पिंड ओर बोली क्या कहे ना जो खनिज रु धातु निष्कासन करने लाभजनक होता है से खनिज पदार्थ को धातु पिंड ओर बोली कह जाए मनोजना ना धातु गुड़िक मुख्य उत्पत्ति स्थल हूँ भूत कथा पढ़ले बुझना ना है भूत धातु गुड़िक मौलिक कि जौगिक रूप से था पढ़ले ना बुझीपार ये जो मौलिक जौगिक रूप से था यह कौन कह ना खनिज कह कि खनिज अधिक प्रतिशत मात्रा जो धातु थी यदि खनिज अधिक प्रतिशत मात्रा में धातु थे खनिज पदार्थ को है खनिज पदार्थ रू धातु निष्कासन कर लाभजनक होता है से धातु फेर से खनिज को आम कौन कहपर धातु पिंड ओर बोली कह जाए धातु पिंड ओर बोली कह जाए कहीं देख जेकोसी देख आम तो कह लुहा कथा कह मटी खोल पूजा खोल तादी लुहा कणिका भी पाइबा लुहा कुंड भी पाइबा कि धातु निष्कासन कह से खनिज रू धातु पाइबापी अधिक खर्च पड़ो कहीं जी पर धातु न पाइबा ताकि जथेष अधिक परिमाण आमको खर्च कराया पड़ो अर्थात लस हम तेजु निष्कासन उचित नुहे बुझे बुझे कौन ना जो खनिज रु धातु निष्कासन करवा लाभजनक होता है लाभजनक होता है अर्थात कम खर्च में अधिक मात्रा धातु निष्कासन कर खनिज को आम कहीपर कौन कहपर धातु पिंड ओर बोली कह जाए बुझे ना आउ के पड़े कौन जोटा कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड भाई धातु कौन कर धातु लवण अवस्था समुद्र जल में द्रवभूत हो रही था ये गोटे उपयोगी कथा पड़े ना बोल नहीं अच्छा नेक्स्ट कौन कर धातु निष्कासन मन कह धातु निष्कासन कहले कौन धातु रु धातु पिंड आम बुझे कौन धातु पिंड बुझल धातु पिंड बुझल ना ना कौ धातु पिंड क्या कहे ना जो खनिज रु धातु निष्कासन करने लाभजनक होता है से खनिज पदार्थ को आम कौन कहे धातु पिंड कहे से खनिज पदार्थ मन कह से खनिज पदार्थ को आम कौन कहे ना धातु पिंड कहे ना 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 बुझीपाली कि धातु पिंड विषय जाणी पूर्व है कि धातु निष्कासन कहले कौन ना धातु पिंड रु धातु को बाहर करने को आम कौन कहे धातु निष्कासन कह जाए मन कह धातु पिंड रु धातु को बाहर करने पड़ा कौ प्रोसेस कौ धातु गुड केमी निष्कासित होता है डिटेल पढ़ा मन कह गोटे धातु पिंड रु धातु को बाहर को आम कौन कहे ना धातु निष्कासन कहते हैं मनोज धातु निष्कासन कहते मनोज ना नहीं धातु निष्कासन कहते हैं धातु गुड़िक मुख्यतः प्रतिक्रियाशीलता अनुसार
धातु गुड़िक प्रतिक्रियाशीलता अनुसार तीन भाग व्यक्त कराई कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु सेकेंड हूँ मध्यम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु तृतीयटा हूँ कौन उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु बा सक्रियता क्रम अधिक कौन कहते प्रतिक्रियाशीलता अधिक सक्रियता क्रम धातु गुड़ अर्थात उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु कथा आलोचना करवा तीन प्रकार धातु भाग कर मनोजना प्रथम देखिए कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु गुड़िकमाने कम प्रतिक्रियाशील एमने बहुत क्वचित मुक्त अवस्था मिलता है मैंने बहुत कम परिमाण में मुक्त अवस्था अर्थात डायरेक्टली मौलिक रूप से मिलता है मनोज मुक्त अवस्था मिलता है अर्थात बहुत कम परिमाण में मौलिक रूप से मिलता है जोटा कि कह सुना रूपा प्लाटिन तंबा मैंने मुक्त अवस्था मिलता है तंबा मन को तंबा रूपा सल्फाइड ऑक्साइड रूप तंबा को मैंने सब नुह केत स्थान तंबा रूपा सल्फाइड ऑक्साइड रूप से मिलता है केतक स्थान तंबा सुना रूपा एगुड़ी मुक्त अवस्था मिलता है आउ कौट कौटी भी मैंने ऑक्साइड कि सल्फाइड रूप में मिलता है मन रख सेकेंड कथा हूँ कौन ना मध्यम धरण धातु गुड़िक मन रख मध्यम धरण धातु गुड़िक मुख्यतः दुईट रूप में मिलता है गोटे सरी सल्फाइड रूप से आउटाला कार्बोनेट रूप से मन रख कौन देख निम्न धरण धातु गुड़िक अधिकांश बहुत क्वचित क्वचित कौन कर मुक्त अवस्था मिलता है सुना रूपा से सल्फाइड व ऑक्साइड रूप में मिलता है मध्यम धरण धातु गुड़िक मुख्यतः कौन होता है सल्फाइड और ऑक्साइड रूप से मिलता है यदि सरी सल्फाइड और कार्बोनेट रूप में मिलता है मन कह धातु एक्जाम्पल जो कहे किए किए ना जिंक फेरम आउ किए पाइले लेड है कि मन हो देख प्रतिक्रियाशीलता क्रम भी दे दीजिए कौटा कौटा उच्च कौटा कौटा ऊपर गई कौन उच्च गुड़ आसा तले आसो हाइड्रोजन अधातु आई भी देख हाइड्रोजन टा धातु नुह हाइड्रोजन टा अधातु अलग कलर मेनसन करम अनुसार लिखा जाइए आउ देखिए कौन मध्यम कथा पड़े उच्च प्रतिक्रियाशील मौलिक गुड़िक कौन करतेजाम सोडियम पोटासीयम मैग्नीशियम कैल्सियम एल्युमिनियम एम मुक्त अवस्था मिल न था पढ़े को प्रोसेस अलग कर एटा बुझे तुम या नोट कर दिव तुम बहरे भी एटा अच्छी नोट कर दिव अधिक प्रतिशत विशिष्ट धातु किए सोडियम सरी पोटासीयम सोडियम कैल्सियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम कथा जिंक आयरन टीन लेड एगुडा कौन मध्यम प्रतिशत विशिष्ट धातु गुड़िका कौन निम्न प्रतिशत विशिष्ट मनोज ना निम्न प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु गुड़िकाइए रूपा सुना प्लाटिनम तंबा जो कहते कौन निम्न प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु युद्धा कौन कहे ना मध्यम प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु यहाँ कौन हो उच्च प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु कथा आलोचना कले है देखिए धातुपिंड समृद्धि मैंने क्या कहते एनरिचमेंट अफ ओर्स कह ना खणी बाहर मन रख खणी बाहर धातु भले बुझ खणी बाहर धातु गुड़िक अनेक परिमाण अपद्रव थाए जोटा कि बाली गोड़ी माटी गुड़ा भरी रही था बुझीपार ये जो अपद्रव को कह जाए कौन ना अपद्रव कह जाए गाँव कह जाए मन हो अपद्रव को गाँव कह जाए भलसे बुझे आगे जो धातुपिंड जो कह धातुपिंड आसला है कि जो धातुपिंड आसला मन कहे धातुपिंड इंग्लीश लिखले कौन ना ओर लिखे ओर लिखे धातुपिंड क्या कह आज जो कणिका गुड़िक मिसिक रही बाली गुड़ी गुड़ी मटी रही आपको कौन कहते कह देखा आपको कह कौन कह गां कहते मन रख आपको कौन कहे ना गां कहते गां कहते गां ये गां गुड़ अलग करने धातु पीढ़ा जो अपद्र गुड़ अलग करने से प्रोसेस को कहते कौन इंग्लीश कहते कौन कनसेट्रेसन अफ ओर बा धातु गुड़ सकेंद्रीकरण कह सकेंद्री ओडिया लिखा है सकेन्द्रीकरण कह मनोज धातु गुड़िकर सकेन्द्रीकरण कह बुझे कथा बुझे धातु पिंड जो अपद्रव गुड़ मिसिक रही था है कि कौन कहे गाँ बोली कहले गाँ को अलग करने जो प्रोसेस अवलम्बन करकेन्द्रीकरण मनोज ना धातु गुड़ सकेन्द्रीकरण मनोज ना अच्छा देख आपको अलग कर धातु गुड़िक भौतिक धर्म और रासायनिक धर्म को आधार कर धातु गुड़िक भौतिक धर्म और रासायनिक धर्म को आधार कर सब पृथक कर मनोज ना अच्छा देख ये कौन कह तीन प्रकार धातु कथा पढ़ा
तीन प्रकार धातु कथा आसा देख तीन प्रकार धातु प्रथम एटा बुझे कौन ना धातु पिंड एटा देखले कौन एटा में कहले पढ़ले धातु पिंड धातु पिंड आसमें कौन कहले धातु पिंड प्रथम सकेंद्रीकरण कला कंसंट्रेशन कराला भाग विभक्त कराला कौटा कौन निम्न कौटा मध्यम कौटा उच्च लो रिएक्टिविटी पाइले कौन निम्न प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु एटा कौन पाइले ना मध्यम प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु एटा पाइले कौन ना उच्च प्रतिक्रिया विशिष्ट मध्यम देख निम्न प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु गुड़िक पूर्व पढ़ले आर जो आसुची कौन ये धातु गुड़िक मुख्यतः सल्फाइड रूप से किंबा ऑक्साइड रूप से बाहर था बुझेला ना नहीं सल्फाइड रूप से सल्फाइड रूप से किंबा ऑक्साइड रूप से बाहर था मनोचरण जो धातु पिंडटा सल्फाइड रूप से था मन रखिबो जो धातु पिंडटा सल्फाइड रूप से था सल्फाइड को देख सल्फाइड रु ऑक्साइड रूप को आने हालांकि सल्फाइड रु ऑक्साइड रूप को आने से प्रोसेस कहते कौन ना रोस्टिंग कह जाए बहुत अच्छी पढ़ा पर स्लाइड रे पढ़ा मन ना बुझे कौन निम्न प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु गुड़िक मुख्यतः कौ रूप से था सल्फाइड कि ऑक्साइड रूप से था जोटा सल्फाइड रूप से था है मन रख सब धातु गुड़क आम चेष्टा कर ऑक्साइड रूप को आने कहीं ऑक्साइड रूप आसा मैंने जारण प्रक्रिया करवा जारण बीजाण प्रक्रिया संपादन कले ऑक्साइड त्याग कर धातु पाई मन धातु को सल्फाइड रूप था ऑक्साइड रूप को आने सल्फाइड रूप ऑक्साइड रूप को आने कौन कह रोस्टिंग कह जाए मन रखे प्रोसेस कोस्टिंग कहलाई रिफिनिंग रिफिनिंग कले परिष्कार धातु गुड परिष्कार कर देखा मध्यम धातु गुड़िक मुख्यतः मध्यम धरण धातु दुईटा रूप से थाए गए कौन सल्फाइड रूप से कौन कार्बोनेट रूप से पड़े पूर्व गोटे कार्बोनेट रूप से कौन सल्फाइड रूप से बुझेगा कौन सल्फाइड रूप को ऑक्साइड रूप को आने सल्फाइड रूप को ऑक्साइड रूप को आने सल्फाइड को ऑक्साइड को आने पूर्व पढ़ले कौन जब कैल्सिनेशन रूप थी कार्बोनेट थी कार्बोनेट रूप थी ऑक्साइड रूप को आने कौन ना कैल्सिनेशन कहते मन रखी कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन कहते मन मैंने क्या कैल्सिनेशन कहला रोस्टिंग कहला सल्फाइड धातु पिंड रु ऑक्साइड रूप को आने कहले रोस्टिंग कार्बोनेट पर कैल्सिनेशन मन रख कार्बोनेट धातु पिंड को ऑक्साइड रूप को आने कौन कहला मन रोस्टिंग कौन कैल्सिनेशन कौन मन जोटा आसा ऑक्साइड रूप आसा ऑक्साइड को रिडक्शन कराला मानते विजारित कराला ऑक्सीडेशन कहले जारण ऑक्सीडेशन कहले जारण रिडक्शन कहले कौन विजारण विजारण कराला फल कौन बाहर जो मेटल बाहर प्यूरीफाई सफा कर मन जो ना कौन मध्यम धरण धातु गुड़ कि उच्च प्रतिवेश विशिष्ट धातु गुड़िक विद्युत विश्लेषण द्वारा देख एटा विद्युत मान इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन देख देख विद्युत विश्लेषण द्वारा मैंने विद्युत विश्लेषण द्वारा यह कौन कराए ना पृथक कराए पढ़ा डिटेल है बुझे मन अच्छे ना नहीं देख ये भले से बुझ कौटी जा सक्रियता क्रम निम्न देख डिटेल पढ़ा जोटा टोटाल मार्स आलोचना कले कनसेप्ट डिटेल पढ़ा सक्रियता क्रम निम्न धातु गुड़िक केमी डिस्कसन करम माइंड रहा ना ना सक्रियता क्रम निम्न धातु गुड़िक बहुत क्वचित कौन था मुक्त अवस्था था मुक्त अवस्था कह डायरेक्ट से प्योर अवस्था मिलगला डिस्कसन कर आवश्यक पड़ न था कि परिमाण में से कौन था सल्फाइड रूप था ना ऑक्साइड रूप था जदि सल्फाइड रूप थी ऑक्साइड रूप को आने कौन कहले मनोज कौन कहले रोस्टिंग बोली कह बुझे रोस्टिंग कहला धातु गुड़ क्या कहुई देख के एक्जाम आम कह कहे गोटे मन रख पारद गोटे धातु जी गोटे धातु हूँ पारद मन रख गोटे पारद गोटे धातु पारदर संकेत एच ए जी आर आर जी कह धातु पिंड पारदर धातु पिंड ना कहते सीनाबार मन रखी सीनाबार पार धातु पिंड ना कौन सीनाबार तार संकेत हूँ एच ए जी एस ए एच एच जी एस मैंने कौ रूप से सल्फाइड रूप से एच एच जी एस मैंने कौ रूप से
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଅଛି ନା ଯଦି ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଆସିଲା ତେବେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବା ନା ରୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେବେ ସଲଫାଇଡ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପ ମାନେ ବାୟୁରେ ଦେଖ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ କି ଗରମ କରିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଫ୍ରମ୍ ଏୟାର ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିବା ଯଦି ପାଇଗଲେ କ'ଣ ଦରକାର ଯଦି ପାଇଲେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଆସିଲା କୋଉ ଉପରେ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍ଏଜିଏସ୍ ୟାକୁ ଓର ଦେବା ଫଳରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଏଚ୍ଏଜି ଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ଓ ଟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମତଳ ମୁଁ କରେନି ଏଚ୍ଏଜିଓ ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ଓ ଟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଏଚ୍ଏଜିଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଏଟା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ରୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଲା କହିଲେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ତାକୁ ବିଜାରିତ କରିବା ବିଜାରଣ କରିବା ତ ହିଟ୍ ଦେବା ହିଟ୍ ଦେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ହିଟ୍ ଦେଇଛେ କହିଲେ ରିଡକ୍ସନ ରିଡକ୍ସନ କହିଲେ କଣ ନା ବିଜାରଣ ବିଜାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ବାହାରିଲା ନା ବାହାରିଲା କଣଟା ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଦେଲା କଣ ଏଚ୍ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଲା ଆଉ ପାଇଲା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲା ଏଠି ପାଇଲା କଣ ନା ମର୍କୁରୀ ପାଇଗଲା ଆଉ କଣ ପାଇଲା ମର୍କୁରୀ ପାଇଲ ଆଉ କଣ ପାଇଲା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଲା ବୁଝିପାରୁଛନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଲୋଚନା କରିବା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଥା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିତି ବି କପର ସରି କପର ସଲଫାଇଡ୍ ଦେଖ ଇଏ ବି ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗରମ କରିବା ଗରମ କଲା ପରେ କଣ ବାହାରିବ ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ପୁଣି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତାକୁ ଯଦି ବିଜାରିତ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିବ ସବୁ ସବୁ ବୀଜାଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନେକୁ ସବୁ ବୀଜାଣୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଗରମ କଲେ ହେଇନଥାଏ ତାକୁ ବିଜାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜାରକର ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ବିଜାରକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜାରକ ଯିଏକି ଆକୁ ବିଜାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା ବିଜାରକ ଇଏ ଯୋଉ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସରି କପର ସଲଫାଇଡ୍ ବିଜାରକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଇଏ ଆକୁ ବିଜାରିତ କରି କପର ବାହାରିଲା ଆଉ ଏସଟି ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦେଖ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଗରମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ପୁଣି କପର ସଲଫାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇକି ଗରମ କଲେ କପର ପାଇଲେ ଆଉ କଣ ପାଇଲେ ଏଠି ଏଠି କପର ସଲଫାଇଡ୍ ହେଉଛି କଣ ନା ବିଜାରକ କୁହାଯାଇଥାଏ ମାନେ ଦେଖ କୁହାଯାଉଛି ବିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେଖିପାରୁଛ ମର୍କୁରୀ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ମର୍କୁରୀଟା ଦେଖେ ମର୍କୁରୀ ଯଦି କୁହାଯିବ ମର୍କୁରୀ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ସିନାବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବା କେମିତିକା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ କେମିତି ଧଳା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ନୁହେଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମନେ ଯେ ନାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଦେଖାଯାଇ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ସେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା ମନେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ସେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ନା ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ନିମ୍ନ ଧାତୁ ଗୁଡିକର ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପଡିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମ ଦିଟା ରୂପ ଆସିଲା ପଡିବ ମଧ୍ୟମ ଦିଟା ରୂପ କଣ ଆସିବ ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଆସିବ ନହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଉଟା ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯୋଉଟା ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଆସିବ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିକି ଦେଖ ହେଲା କି ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା କଣ ଲୁହା ମନେକ ଲୁହା ଜିଙ୍କ ଲେଡ୍ କପର ଲୁହା କହିଲେ ଏଫଇ ଜିଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ ଜେଡ୍ ଏନ୍ ଲେଡ୍ କହିଲେ ପିବି କପର କହିଲେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆମେ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥିବ ନହେଲେ କୋଉ ରୂପରେ ଥିବ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥିବ ନହେଲେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ଥିବ ଯଦି ସେ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପକୁ ତମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରୂପକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କହୁଥିଲେ ରୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କାର୍ବୋନେଟ୍ କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରୂପକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କହୁଥିଲେ ମନୋଜନ ଏତିକି କଥା କହୁଛି ଧାତୁକୁ ସଲଫାଇଡ୍ ବା କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପ ମନେକର ଧାତୁକୁ ସଲଫାଇଡ୍ ବା କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥାଉ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ଥାଉ ଅଣାଯାଏ କେଉଁ ରୂପକୁ ମାନେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ଧାତୁ ସଲଫାଇଡ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଣ କରେ ତାପ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏହି ପ୍ରୋସେସ କୁହାଯାଇଥାଏ କଣ ନା ରୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ ସୀମିତ ମନେକ ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାୟୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପ ଅଛି କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ସୀମିତ ପରିମାଣର ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ସୀମିତ କଥା କହିଲେ କି ଆମକୁ କହୁଛେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପ ଯୋଉଟା ଥିବ ତାକୁ କାଲସିନେସନ କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପରିମାଣ କଥା କହିଲେ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ରୋଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କଣ ଜିଙ୍କ ଦେଖ ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ୍ ଜେଡ୍ ଏନ୍ଏସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଦେଖିପାରୁନ ଏଠି ଜେଡ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଦେଖିପାରୁନ ଜେଡ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ହେଲା କି ମାନେ ଆକୁ ଜେଡ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ଏଟା ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ୍ ବା ମନେକର ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ୍ ବା ଜିଙ୍କ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ନାଁ ହେଲା ଜିଙ୍କ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଜିଙ୍କ ବ୍ଲେଣ୍ଡ
ब्लेंड कहते बुझे सल्फाइड यदि सल्फाइड उपर अच्छे मैंने कौन कर प्रचुर परिमाण में कौन करा दरकार मैंने वायु परिस्थिति उत्तप्त करा दरकार अम्लजान देखने कौन सृष्टि रोस्टिंग प्रोसेस कौन कहते रोस्टिंग कह सृष्टि कौन हम ना जेड एन ओ सृष्टि प्लस सृष्टि कौन ना एस सृष्टि जेड एन ओ पाइल कसला अक्साइड यदि कार्बोनेट उपर थी भी मानव जब कार्बोनेट उपर थी जेड एन एक जेड एन सीओ थ्री थी कौन कर अम्लजान दे कहीं सीमित परिमाण में वायु उत्तप्त कले कौन नहीं जेड एन ओ बाहर तापर कौन बाहर ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ये जेड एन ओ पाइल जेड एन ओ पाइल आपको कौन कर जेड एन ओ को पुणी कार्बन दर विजारक विजारक द्वारा विजारक द्वारा विजारण कला बाहर कौन ना जेड एन बाहर प्लस सीओ बाहर था मन रख जेड एन बाहर कौन प्लस मन अच्छे जेड एन बाहर प्लस सीओटी बाहर मन अच्छी धातु अक्साइड धातु को पाइबा कार्बन को विजारक भाव नहीं कौन कराई कार्बन को विजारक भाव नहीं विस्तार कह प्रक्रिया कहीपर ना विस्तार प्रतिक्रिया बुझे विस्तार प्रतिक्रिया कहपर ना विस्तार प्रतिक्रिया मध्यम कितना अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक अच्छा कहते हैं सोडियम क्यालसीयम एल्युमिनियम को मन कहुकी विजारक भाव व्यवहार कर आपको हमें कार्बन नहीं पार ना सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम को आवश्यक स्थल भी विजारक भाव दीजिए कहीं अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक हमें जानचे विस्तार प्रतिक्रिया कौन होता है मैंने अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक कम प्रतिशत मौलिक कौन से जो जौगिक पृथक कर मौलिक ना अधिक प्रतिशत मौलिक एक्जाम्पल कौन कही देख देखिए कौन मांगानेज अक्साइड एल्युमिनियम सहित रिएक्शन गला कौन सृष्टि होती है मांगानेज एल्युमिनियम अक्साइड आउ ताप भी सृष्टि अत्यंत मात्र ताप उत्पाद एत मात्र ताप उत्पन्न हुए जे जो मैग्नीशियम बाहर ये तरल अवस्था बाहरी जाए मनोज तरल अवस्था बाहरी मनोज ना हेला कौन कहू देख आउ कौ देख मन को फेरम देख बास्तव में फेरिक अक्साइड एल्युमिनियम फेरिक अक्साइड संकेत हो कौन एफ ए टू ओ थ्री एफ ए टू ओ थ्री एल्युमिनियम सहित प्रतिक्रिया कला तो जान लें एल्युमिनियम हो कौन ना अधिक प्रतिशत मौलिक प्रतिक्रिया कला कौन सृष्टि हम क्या देखिए कौन सृष्टि हम ना ए एल ए टू ओ थ्री एल्युमिनियम अक्साइड आउ कौन बाहर ना एफ ए टू बाहर आप बाहर एत मात्र ताप बाहर ना कौन होगा ना तरल अवस्था सृष्टि बुझे देखिए आम जो रेल धारणा देखिए ट्रेन लाइन देखिए थोड़ा तो बाटर कुछ जॉइंट तुम देखा जाए सी जो मन का लंबी जो ओडिशा दिल्ली जाए लंबी जो ट्रेन लाइन कि दिल्ली रू कटक जाए आस ट्रेन लाइन से गोटे बाटर कोट जॉइंट अच्छे देखी ना बाटर कोट जॉइंट अच्छे जॉइंट करा जाए थे सी गोटे अलग अलग था जॉइंट करा जाए ओल्डिंग बोल्डिंग दिन कर जॉइंट करने कि मन को जॉइंट करने कौन कर देखो एल्युमिनियम सहित फेरिक अक्साइड और एल्युमिनियम सहित प्रतिक्रिया से जगह एल्युमिनियम अक्साइड दि जाए फेरम बाहर ये ताप सृष्टि होता है ये प्रोसेस हमें कौन कहे ये प्रोसेस कहते थर्मिट प्रोसेस कहलाती है ये प्रोसेस कहते कौन थर्मिट प्रोसेस कहु भांगी जाइए जंत्रांश मान जो लुहा जिन भांगी जाए आउ कौन करे जो रेल धारणा को कौन कर जोड़ा आपको व्यवहार कराए ये समीकरण मन रखी है कि चित्र देख चित्र कौन अधिक प्रतिक्रियाशील मन को अधिक प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु अधिक प्रतिक्रिया विशिष्ट धातु गुड़क पढ़ले कौन एम मुक्त भाव में मिलती ना है मन अच्छे मैंने अधिक प्रतिक्रियाशील विशिष्ट अटंती कार्बन सहित उत्तप्त कले जेहेत आम बुझे टीके आलोचना कले कौन से मौलिक गुड़ कार्बन सहित रिएक्शन कला से मौलिक कौन बाहर से मौलिक निजे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर था मैंने विचार कर अधिक दीदी यही जगह मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड आ ठार अधिक प्रतिशत मौलिक होता तेनालीराम संभव होता जदि कार्बन टपट अधिक प्रतिशत मौलिक थी तेल ये प्रक्रिया संभव हो पार ना कमि पृथक कर मन को वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली में मन अच्छी वैद्युतिक विश्लेषण प्रणाली पृथक कर एक्जाम्पल कह मन कौटा कौटे सोडियम मैग्नीशियम क्यालसीयम एल्युमिनियम इत्यादि को ऑक्साइड ऑक्साइड को कौन कराइए से गुड़क धातु निष्कासन करबन व्यवहार करते कार्बन व्यवहार कर मनोज ना देखिए यार कारण कार्बन अपेक्षा
ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଦୃଢ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୋଜନାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା କି ସୋଡିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ସେମାନଙ୍କ ତରର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମନକ ମନକ ଏଇଠି ବୋଲି ଏଇଟା ଭାବ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖି ଇଏ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦେଇଛି ଏଇଟା କଣ ଅଛି ପାତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ନା ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଛି କଣ ଅଛି ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଏନୋଡ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଘଟିବ ଇଏ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଘଟିତ ହବ ବିଘଟିତ ହେଲା ମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଏନ୍ଏ ପ୍ଲସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସିଏ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲା ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଆସିଲା ହେଲା କି ଯୋଉଟା ପ୍ଲସ୍ ବାଲାଟା ଯିବ କୋଉଠିକି ମାଇନସ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଇନସ୍ ହେଲା ଯିବ କୋଉଠିକି ନା ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୋଡିୟମକୁ ଏଠି ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମନୋଜନା ନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାଲି ଆମେ ପଢିବା କଣ କହିଲ କାଲିଠୁ ପଢିବା ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ ହେଲା ଏଠୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ପଢିବା କାଲି ସରିଯିବ ବିଷୟ ହେଲା।